باشه آفرین. باشه آفرین. लेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सके, पर जब वो सारी चीजें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सके। आपने आखिरी बार ये खबर कब सुनी थी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी या स्टोन पेल्टिंग के चलते कोई बड़ी झड़प हुई हो या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कुछ लोग घायल हुए हों? शायद आपको ऐसी खबर ढूंढने के लिए अब गूगल करना पड़े, क्योंकि ये बदलते कश्मीर की निशानी है, ये बदलते कश्मीर की कहानी है। ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। एक बार फिर सोमवार को 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मणिहाल शोपियां में बीती रात एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें कुछ ही घंटों में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों में आमिर सैफी, रईस भट्ट, आकिब मलिक और आफ्ताब वानी, इनकी पहचान हुई है। ये पिछले 2021 में लगातार कुल 9 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें से अब तक 19 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें अल बदर के गनी ख्वाजा और जैश मोहम्मद के सज्जाद अफगानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यानी जब से घाटी में आर्टिकल 370 हटा है, आर्टिकल 35A हटा है, उसके बाद से आतंकियों की सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है। और जिस स्टोन पेल्टिंग का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, उसका नतीजा ये है कि स्टोन पेल्टिंग के मामले ड्रास्टिकली लगभग 10वें हिस्से तक पहुंच चुके हैं। यानी पहले अगर 100 घटनाएं होती थी तो अब मात्र 9 या 10 घटनाएं ही होती हैं, वो भी छिटपुट घटनाएं। यानी बदलाव साफ तौर पर नजर आता है। पिछले 2020 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो पिछले 2020 के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में 234 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें से 215 2020 में मारे गए, 19 आतंकी इसी साल मारे गए, 296 आतंकी ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर मुकदमे दायर हैं, वो फिलहाल जेल में हैं, 8 आतंकी कम से कम ऐसे थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। कुल 378 आर्म्स और एम्युनिशन के मामले हैं जो कि मिले हैं। कई बड़े हाइडआउट थे, आतंकियों के ठिकाने थे जिनको सुरक्षा बलों ने खोजा है, दर्जनों वहां से भी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि पत्थरबाजी की घटनाएं जिसमें स्थानीय नौजवानों को शामिल कर लिया जाता था, वो घटनाएं अब लगभग खत्म होने की कगार पर हैं, उनमें ड्रास्टिकली चेंज आया है। ये है कश्मीर में होने वाले बदलाव की निशानी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान पर भरोसा करें तो जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर पर समझौता किया है, तो आने वाले दिनों में हमें आतंकियों की वारदातों में और कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान भरोसा करने लायक है? बहरहाल सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तान के भरोसे नहीं है। सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार उसी तेजी से, उसी गति से जारी रहेगा जिस गति से अब तक आतंकियों का सफाया किया जाता रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार। What a magic one, Pierre!
पुलिस की तरफ से, और आप लोग सब इस चीज से भी बिल्कुल वाकिफ हैं कि पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के अंदर बिल्कुल 100% तालमेल है। तो बताए हुए प्लान के हिसाब से तीनों फोर्सेस अपने अपने प्लान के हिसाब से लोकेशन पर गई है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे आईजी साहब बता रहे थे, सबसे पहले एक ही हमारी बटालियन से ही जो कि 44 RR है, वो जाके उसकी फैमिली तक पहुंची है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को लेकर इनकाउंटर साइट पर गए हैं। 34 RR को उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है, और 34 RR ने फिर इन लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है। उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है, जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए एक दो और जो थे उन्होंने इसको रोक लिया था। तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ को भी हमने आगे किया, उसने भी जाके उसको सरेंडर अपील के लिए कोशिश करी है। यही चीज तब भी हमारे को पेश आई, और तभी अगर आप देखेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सके। पर जब वो सारी चीजें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। तो आपके जरिए, मीडिया भाइयों के जरिए यही पैगाम हम सबकी तरफ से, आईजी साहब की तरफ से और कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड है। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था, जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये इनकाउंटर आधा घंटा भी ना चलता।